सुधीर चौधरी कहता है कि मैं देश हित में काम करता हूँ, क्या देश हित में सिर्फ मोदी ही है और बाकी नहीं है कोई? कि मैं बिना पूछे उनसे बैठे रहती हूं और आप बिना पूछे उन्हें शूट कर रहे हैं। तो आपको गुस्सा है गोदी मीडिया से जिस तरीके से यहाँ पर जो दिखाती है जेएनयू को, जिस तरीके से एक बना रखा है? नहीं, जेएनयू को नहीं, सिर्फ 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 इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद। अरे ये सब क्या है, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान। आप ये कहो कि कितने लोगों को रोज़गार दिए हैं, कितने लोगों के कितने लोगों के लिए फ्री एजुकेशन किए हैं, ये कहो आप। आप खाली ये कह रहे हो, क्या इंडिया पाकिस्तान हमारा देश है? क्या इमरान खान हमारा प्रधानमंत्री है या मोदी है? अगर मोदी की औकात नहीं थी इतने, अगर मोदी की, अगर मोदी अगर फ्री शिक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप ही कद्दी छोड़ें। अभी इलेक्शन होगा यहाँ, मैं इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूँ कि वो आज ही इलेक्शन करवाए, आज ही पूरे देश में फिर से लोकसभा का चुनाव हो और फिर से चुनाव हो, और 2022 का कोई इंतज़ार नहीं करेगा। फिर देखो मोदी, फिर देखो मैं मोदी को बताता हूँ कि वो इस देश में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। रोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और बेसिक चीज़ों पे बात ना होकर के सिर्फ राष्ट्रवाद की बात हो रही है और इसमें जेएनयू आपने खुद बोला है, तो मुद्दा क्या है? जेएनयू के लोग कह रहे हैं कि पढ़ाई, सिर्फ जेएनयू नहीं यार, जेएनयू नहीं, पूरा हिंदुस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए एजुकेशन में, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि जेएनयू क्या है, जेएनयू कुछ नहीं है। अरे जब पूरा इंडिया फ्री होगा तो जेएनयू भी उसमें शुमार होगा, शामिल होगा। ठीक है, सिर्फ जेएनयू नहीं, आप लोग जेएनयू का पुलिस फोर्स लगाया जाए, सिर्फ जेएनयू की बात नहीं, सारे जहां जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी तरीके का आर्मी लगा करके, फोर्स लगा कर उसको कुचला जा रहा है। बहुत सारे बच्चे को यूनिक घसीट के ले गया गया, मैंने खुद देखा। बहुत सारे लोगों को, लड़कियों को जो है पुलिस ऐसे ले जाए, ऐसे कोई करता ट्रीटमेंट? ऐसे कोई करता है? किसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार करता है? कितनी कितनी सालाना इनकम है आपके पिता की वार्षिक? मेरे पिताजी सिर्फ 15,000 सालाना है। वो एक वो कबाड़ी का दुकान होता है ना, उसमें वो लेबरिंग का काम करते हैं, वरना कबाड़ी का दुकान किसी और का है, उसमें वो लेबरिंग का काम करते हैं। बताओ, वो मुश्किल से 12-13 घंटे उसमें काम करते हैं और उनको दिन भर में बस 200 या 150 रुपये दिया जाता है। ठीक है, आप बता दो 200-150 में आप कितने लोग की भोजन चल पाएगा, कितने लोगों का खाना, एजुकेशन प्लस बीमारी वगैरह, ये सारे चीज मेंटेन होगा? तब आप यहाँ तक, तो मैं यहाँ तक आया खुद से, जेएनयू तक जब आए हैं तो किस तरीके से किताबें आपको मुहैया हो पाई, किस जो मैं तो 5 दिनों में यहाँ का एंट्रेंस निकाला हूँ, 5 दिनों में। ठीक है, मैं एंट्रेंस यहाँ का निकाला, एंट्रेंस हमारे लाइक था, क्वेश्चन सारे अच्छे थे, मैंने निकाला। फिर यहाँ मैंने पढ़ाई किया, फिर पता चला कि जो यूनिवर्सिटी आज इंडिया का सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी थी, वो उसको अपोजिट करके सबसे महंगी यूनिवर्सिटी बना दिया गया। कैसे बना दिया गया? ये मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ जेएनयू को टारगेट बना रखा है। हम तमाम मीडिया वाले से ये कहते हैं, तमाम मीडिया वाले इंडिया में जितने भी मीडिया है, चाहे लोकल हो या वो नेशनल लेवल पर हो या वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, सभी मीडिया को ये कहना चाहते हैं कि जो सही है वो सही दिखाए, जो गलत है वो गलत दिखाए। तो गलत है, किसी के तरफ से नहीं दिखाए, खाली मोदिया की खाली मोदिया की तारीफ आ रहा है, उसका बायकॉट का अगर किया जाता, उसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उस मीडिया का लाइसेंस, उसकी सारी दुकानें शटर डाउन होनी चाहिए। ठीक है, खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।